गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव इस अपने को सपनों को साकार करने के लिए। दावोस में पीएम मोदी ने जिस तरह से एक वैश्विक नेता के तौर पर भाषण दिया उसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इस 52 मिनट के भाषण में पीएम मोदी कई ऐसी गलती कर गए जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं वो गलत तथ्यों को पेश कर गए तो कहीं उनकी जुबान लड़खड़ा गई। पहली गलती, और यदि 1997 आप इंटरनेट पर यू हैड डन अ सर्च ऑन द इंटरनेट शब्द ढूंढते फॉर द वर्ड Amazon, आपको नदियां मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वुड हैव बीन अबाउट अ रिवर और अ थिक जंगल। दरअसल अमेज़न कंपनी 1997 से पहले ही साल 1994 में आ गई थी। दूसरी गलती, और हमारे पास एंड व्हाट आर द मींस कौन से दैट वी हैव अवेलेबल टू अस टुडे, वे कौन से रास्ते, व्हाट आर द पाथ्स दैट वी कैन फॉलो जिनके जरिए थ्रू व्हिच हम इन दरारों वी कैन दुनिया को मिटाकर एलिमिनेट दीज रिफ्ट्स एंड दीज डिस्टेंसेस दरारों और दूरियों को हाउ कैन वी एलिमिनेट दीज रिफ्ट्स दीज डिस्टेंसेस। पीएम मोदी यहां दरारों और दूरियों को मिटाने की बात कर रहे थे। तीसरी गलती, भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। दरअसल भारत की जनसंख्या ही 125 करोड़ है और इनमें 80 करोड़ मतदाता हैं। चौथी गलती, 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में एक एकीकृत कर व्यवस्था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के रूप में लागू कर ली गई है। पीएम यहां 70 साल की आजादी का जिक्र कर रहे थे। पांचवी गलती, और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए इस अपने को सपनों को साकार करने के लिए रास्ता भी दिखाया। यहां पर पीएम की जुबान लड़खड़ा गई और वो सपने को अपने कह बैठे। छठी गलती, पिछली शताब्दी के महान भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम की कल्पना की। पीएम मोदी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते वक्त भी फंबल कर गए।